कुणाल पांड्या ने ब्रेथवेट के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बाउंसर मारकर सबको चौंका दिया। जी आपको बता दें कि इसलिए चौंका दिया क्योंकि कुणाल पांड्या अपना दूसरा ही टी20 मैच खेल रहे हैं और वो बतौर स्पिनर टीम में खेलते हैं। ऐसे में 13वें ओवर की चौथी गेंद पे एक ऐसा वाक्या हुआ जिसको देखकर सब दंग रह गए। आपको बता दें कि सामने थे वेस्टइंडीज के ब्रेथवेट बल्लेबाज और ऐसे में कुणाल पांड्या ने जो बॉल फेंकी वो बाउंसर फेंकी और आप फोटोज में देख सकते हैं कि बॉल पड़ने के बाद इतनी उछली कि ब्रेथवेट को बैठना पड़ा और दिनेश कार्तिक को उछलना पड़ा, उसके बाद भी गेंद वो नहीं पकड़ पाए। ऐसे में कमेंट्री कर रहे सुनील नारायण और संजय मांजेकर देख के भौचक्के रह गए और वो उनके मुँह से आह निकल गया कि अगर ये लग जाती तो क्या होता। हालांकि आपको बता दें कि सुनील गावस्कर ने कहा कि ऐसे बाउंसर आज तक केवल स्पिनरों में सुनील नारायण को मारते हुए देखा है। तो कहा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या ने जहां पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस की थी, भले ही दूसरे मैच में उन्हें विकेट ना मिला हो, लेकिन अपने बाउंसर की वजह से वो चर्चा का बड़ा विषय बन चुके हैं।